लखनऊ से एक बड़ी जानकारी दे दे। आचार संहिता लगने के बाद नेताओं की हलचल तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की फोन पर बात हुई है, दोनों नेताओं में बैठक को लेकर चर्चा हुई है और आज लखनऊ में दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। तो आचार संहिता लगने के बाद नेताओं की हलचल तेज हो चुकी है, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की फोन पर बात हुई है और जानकारी मिल रही है कि आज लखनऊ में दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। आगे की अब रणनीति क्या होगी, इसी को लेकर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई फोन पर और आज ये दोनों नेता लखनऊ में मिल सकते हैं, इस बात की भी जानकारी है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने फोन पर बात की है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 7 फेजेस में वोटिंग होगी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब 15 जनवरी तक किसी भी तरीके से आप जनता के बीच फिजिकली नहीं पहुंच सकते, यानी कि वर्चुअल माध्यम का आपको उपयोग करना होगा। तो ऐसे में क्या रणनीति अलग अलग पार्टियों की होगी। हालांकि अखिलेश यादव ने ये बात कही थी कि सत्ता पक्ष के लिए तो ये आसान है, लेकिन जिनके पास बजट की कमी है उन पार्टियों को दिक्कत होगी वर्चुअली जनता से जुड़ने में। और इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। अनुभव, क्योंकि दोनों ही नेताओं के बीच पर फोन पर चर्चा हुई है दोनों नेताओं के बीच और अब आज लखनऊ में ये दोनों नेता मिल सकते हैं, इस बात की भी जानकारी मिल रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने पहले कहा कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि पार्टियों को अब ये तय करना है कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे, यानी उनको अपने कैंडिडेट की लिस्ट अनाउंस करनी है और इसीलिए अखिलेश यादव हों शिवपाल यादव हों, क्योंकि अब साथ आ चुके हैं, पहले ऐलान कर चुके हैं कि साथ मिलकर लड़ेंगे। तो वेस्टर्न यूपी में देखिए सबसे पहले वोटिंग होगी, 10 तारीख को वोटिंग होगी, 14 तारीख को अधिसूचना आएगी, 21 तारीख एक नाम मांकन की तारीख है। तो ऐसे में अब कितने कम दिन बचे हैं, यानी आपको कैंडिडेट के नाम को घोषित करना है, फिर उसके बाद वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेगा, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप देखिए शिवपाल यादव को कम से कम हमारे पास जो जानकारी उसके मुताबिक 6 से 7 सीटें अखिलेश यादव देंगे, उसमें 1 या 2 सीटें वेस्टर्न यूपी की भी हो सकती हैं। तो हो सकता है इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आज दोनों लोगों की मुलाकात हो, शिवपाल यादव की अखिलेश यादव की। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि जल्दी, यानी हो सकता है कि सोमवार या मंगलवार को समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट आ जाए, जो आरएलडी के साथ जहां पर उनको सीट शेयरिंग करनी है वहाँ कितनी सीटें दे रहे हैं, कौन कहाँ चुनाव लड़ रहा है, इस पर भी हो सकता है कि सोमवार या मंगलवार तक समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी कर दी जाए। बिल्कुल अनुभव, और ये आसान नहीं होगा समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि कई दल हैं इसमें और हर दल की अपनी ख्वाहिश होगी, उन ख्वाहिशों को क्या पूरा कर पाएंगे अखिलेश यादव, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें, मायावती आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। सुबह 10 बजे मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। विधानसभा चुनाव पर बसपा के मुद्दों को जनता के सामने रखेंगी मायावती, चुनाव पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखेंगी। कल चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में अब उम्मीदवारों पर मंथन और उसके बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना, आगे के लिए रणनीति क्या होगी चुनाव प्रचार के लिए, इन तमाम बिंदुओं पर आज मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी बात रखेंगी। सुबह 10 बजे का समय बताया जा रहा है जब मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और जनता के सामने चुनाव पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखेंगी।